आज हम पल्टन मार्केट से गुजरते हुए संडे का दिन हमारे खास दोस्त श्री अंकित जी के साथ इधर क्या क्या लेफ्ट राइट 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 देहरादून का काफ़ी फेमस पल्टन मार्केट कहा जाता है कि यहाँ से आर्मी की सेना गुजरती थी इसलिए इसका नाम पल्टन रखा गया। पल्टन मार्केट से हम आज आपको दिखाएंगे, पल्टन मार्केट से आज हम सेंट्रियो मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा भगवा कर दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो ऊपर सभी नाम भगवा कर दिए गए हैं। नया लुक है इधर पल्टन मार्केट का, भगवा कर दिया भाई। क्या भगवा जी ऐसा सर। और इस समय लक्ष्मी रेस्टोरेंट से क्रॉस करते हुए फेमस है यहाँ पल्टन मार्केट का। एसएसपी की गाड़ी देहरादून एसएसपी जी सारे व्यू आप देख रहे हैं पल्टन मार्केट का। घंटा करके नज़दीक पहुंचते हुए हम लोग आज कोयल की सवारी कर रहे हैं हम। हमारे अंकित जी की बुलेट का नाम कोयल है। पल्टन मार्केट यह अधिकतर भरा रहता है। घंटाघर की तरफ पहुंच रहे हैं हम। घंटाघर की भीड़ अभी आप देख रहे हैं। अंबेडकर पार्क यह चक्राता रोड, देहरादून का चक्राता रोड सेक्टर हमारे पीछे। FRI गए बॉस कभी आप? या FRI यस आप साथ ही गए थे आप और हम साथ। हाँ 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 देहरादून की चक्राता रोड इंटरसेप्टर ठीक पीछे हमारे। फेवरेट जना रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ शाम को चाय और समोसा यहाँ पे है। दिखते में जना रेस्टोरेंट में भी पाया जाता हूँ। जना रेस्टोरेंट और सुट्टा बार के सामने में कई बार सुट्टा बार को कई बार लोग गलत मीनिंग ले लेते हैं। वो चाय सुट्टा बार CSB है और फेमस है वो चाय के लिए, अपनी चाय की क्वालिटीज़ के लिए। पर नाम से ऐसा लगता है जैसे कुछ धूम्रपान से रिलेटेड चीज़ होती है। चक्राता रोड में हम वापस घंटाघर की तरफ पड़ते हुए सेंट्रियो की तरफ भी जाना है। अगर सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो मेरे विचार से कोई भी ट्रैफिक में बाधाएं नहीं आएंगी। पर होता क्या है कि सब लोग को जल्दी होती है और सब लोग देर हो जाते हैं। बेसिक सी चीज़ है कि आपको रूल फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू रूल चलना है और ट्रैफिक में बाधा ही उत्पन्न करने से बचना है। अपनी साइड अपना वो पकड़ के चले। देखिए जाम इंडिया में जाम का एक बड़ा रीज़न है ट्रैफिक रूल्स ना जानना, और जिनको पता होता है वो फॉलो नहीं करते हैं। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने सारे लोग रुकेगा यहाँ पे। जरा रुकेगा इधर लगाना। हाँ उधर जाए और घंटाघर से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं सीधे मेरे घंटाघर है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मेरा फेवरेट पार्क फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी। अभी आप देखेंगे किस प्रकार से ब्रेक करते हैं लोग रूल को। वही बात हम कह रहे हैं कि उसका प्राइमरी रीज़न है।
पॉइंट से मिल रहा है। ठीक सामने इसके गांधी पार्क, अच्छा एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। पहले शरारती तत्व ज़्यादा होते थे, लेकिन अब अच्छे कड़े प्रशासन तंत्र की वजह से यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, तो अब यहाँ पर अच्छे वॉक के सुविधा मिल जाती है। अधिकतर शाम को और दिन में सुबह लोग इस वॉक के जरूर। कांग्रेस भवन, अभी हम कांग्रेस भवन को क्रॉस कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस भवन का कारण है यहाँ पर। कभी चढ़ेगी ना वैसे करूँगा। क्या हुआ? एलोरा मेल्टिंग मूवमेंट की तरफ पहुंचते हुए हम एलोरा और सेंट जोसेफ दोनों एक बेकरी के लिए फेमस है, एक एकेडमी के लिए, और देहरादून के टॉप मोस्ट है ये बेकरी से रिलेटेड एलोरा मेल्टिंग मूवमेंट। और राइट साइड में आप देख रहे हैं सेंट जोसेफ। देखिए आप, सिंस 1953 से एलोरा है और सेंट जोसेफ एकेडमी काफ़ी एमिनेंट स्टडी के लिए फेमस है। वैसे भी आपको पता है कि देहरादून अपने सेकेंडरी लेवल काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। चौक के पास पहुंच रहे हैं। आज हम सेंट्रियो मॉल की तरफ जा रहे हैं। वी आर मेरे खास दोस्त। उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड सचिवालय के पास पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सचिवालय के बाहर हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो फेमस चीज़ है वो लगाई गई है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। पावर बाय स्पॉन्सर बाय महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट लेफ्ट साइड में स्पोर्ट्स फिट स्पॉन्सर बाय एमएस धोनी, केएफसी और डोमिनोज के यहाँ पर। देहरादून का बहल चौक, या बहल चौक है देहरादून का। बहल चौक से अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, हाथी बड़कला की तरफ मुड़ना आया हुआ है। कम लोग होते हैं जो यहाँ ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हैं, इसी कारण जाम का सामना करना पड़ता है। एक बड़ा कारण है जाम लगने का। देखिए अभी लेफ्ट टर्न फ्री होना चाहिए था, पर लेफ्ट टर्न फ्री न होने के कारण हम अननेसेसरी यहाँ रुकना पड़ रहा है। हमारे टाइम का लॉस हो रहा है, हमारे पेट्रोल का लॉस हो रहा है, और मेंटली रूप से भी आदमी थक जाता है। क्यों यार, ये बहुत भाई लेफ्ट टर्न फ्री ना होने का ये बड़ा खामियाजा देखना पड़ा।
किया जाए UK07TH2453। कोई चलान नहीं है यार, या लड़कियों को क्या कोई चलान नहीं है, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है ट्रैफिक नियमों। पुलिस वाले सामने जाएंगे, अब देखिए देखिए किस प्रकार से अभी पुलिस वालों के सामने गुजरेंगे, आप इस वीडियो में आसानी से देख पाएंगे। पर यहाँ पे ही पुलिस वाले हैं और शायद ही इनको पकड़ सकने में सक्षम हो पाएंगे इतने ट्रैफिक के मध्य, यही कारण है। देखिए कहते हैं कि आम जनता क्या कर सकती है, आम जनता बहुत कुछ कर सकती है, सबसे बड़ी पावर आम जनता के पास ही है, पर आम जनता ही सबसे बड़ी ढिलाई बरतती है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि आम जनता ही खुद दोषमुक्त होती है, खुद को घोषित करती है, होती नहीं है घोषित करती है। हाथी भड़कला रोड में हम बढ़ते हुए सालावाला के पास पहुंच रहे हैं। देहरादून का योसेंट्रियो मॉल लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास खुला था। मेरे अजीज मित्र हैं, पर कभी कभी क्या कभी कभी इनके दिलों में कोई और बसती है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा स्थान कम कर देते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको बसाने के लिए दूसरा दिल पैदा करें। बेहद खूबसूरत आपको बताना चाहेंगे कि आज घंटाघर के पास कोई हमें मिल गया था, पर मुलाकात तो ढंग से हो नहीं सकी, तब तक कोई आ गया। कोई मिल गया क्या बताऊं यारो, मेरा दिल गया। कालिदास रोड की ओर रास्ता जाता है लेफ्ट साइड को, बुलेट की सवारी आप देख सकते हैं आज। देखिए बुलेट किस प्रकार से चलाए रहे हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी चलाते हैं जब हम ड्राइव करते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया फेमस, आपको जितने भी मैप वगैरह दिखाई देते हैं वो यहीं सर्वे ऑफ इंडिया से ही प्रिंट होते हैं, अप्रूव होते हैं ऑफिशियल भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया। एक दिन हम कैसे घूमते थे क्या, एक दिन हम कैसे गए थे जी सर्वे ऑफ इंडिया। और ये सेंट्रियो मॉल के पास पहुँच गए हैं हम, हमारा फेवरेट सेंट्रियो मॉल। यहीं से बाहर ही लगा लिया, यहाँ पे लगा लीजिए, आगे ही लगा लो फिर। सेंट्रियो मॉल में हम पहुँच गए हैं, अब ये आगे ले जाइए, आगे ले जाइए। सेंट्रियो मॉल में एंट्री होती हुई इसी के साथ गाना है